अजमेर संसदीय सीट पर सोमवार को हुए लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस प्रत्याशी रिजू झुनझुनवाला और भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी ने अपनी अपनी जीत के दावे कर दिए हैं। दोनों ही प्रत्याशियों ने मतदान करने पर जनता का आभार जताया है। कांग्रेस प्रत्याशी रिजू झुनझुनवाला पत्रकारों से रूबरू हुए और उन्होंने बताया कि मतदान के दौरान कांग्रेस के प्रति लोगों का खासा उत्साह देखने को मिला और जिस पर उन्होंने अच्छे मतों से चुनाव जीतने का दावा किया है। और दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी ने भी पत्रकार वार्ता कर अजमेर की जनता का आभार व्यक्त किया और साथ ही कहा कि वे सभी आठों विधानसभा में चुनाव जीतेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो काम अधूरे रहे हैं उन्हें पूरा करेंगे। वहीं भाजपा के विधायक वासुदेव देवनानी ने प्रशासन पर दबाव में काम करने का आरोप लगाया और साथ ही कहा कि मतदान प्रभावित करने वाले लोगों पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। पॉलिटिक्स को जो लोग बाहर से देखते हैं, पॉलिटिशियंस को जो सब हमारे सामने बैठे हैं यहाँ पे कहीं नहीं भी बैठे, उनको आप सब दिन रात एक कोसते रहते हैं कि भाई पॉलिटिशियन ये करता है वो करता है। पॉलिटिक्स में आने के बाद मेरे को पता चला है ये कितने मेहनत का काम है, कितनी लगन का काम है। और ऐसे कोई बात नहीं है जो लोगों के ऊपर ये बता के रखते हैं कि भाई पॉलिटिशियन है तो पैसा खाते हैं तो ये करते हैं वो करते हैं। मैं जितने लोगों से मिला हूँ, मेरा जो अनुभव रहा है ये बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। और मेरे लिए जो रिस्पेक्ट है आम पॉलिटिशियन की, वो मेरे लिए अगर पहले यहाँ थी तो आज मेरे लिए कहीं ऊपर जाके वो हो गई है। हर एक पॉलिटिशियन के लिए, चाहे वो अक्रॉस किसी भी पार्टी के। कल मैंने केकड़ी में सबसे बड़ी मसूदा में केकड़ी में हमारी किसान दूध के अंदर बार बार इस तरह की रटे हो रही थी। मैंने जयपुर कलेक्टर जी से बात करी, अजमेर एसपी से, एसपी और कलेक्टर से बात करी, सबको फोन करके कोई नहीं पड़ा। उससे ये फर्क पड़ा कि हमारे को और अधिक मत मिले, फिर हमारा कार्यकर्ता और जोश में आ गया और ज्यादा उन्होंने कमल के फूल के ऊपर बटन दबाया।